लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हनुमान, तुम कहाँ हो? हनुमान, मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो। शीघ्र प्रकट हो हनुमान। हनुमान, हनुमान, तुम इतने निष्ठुर नहीं हो सकते। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुलसीदास का कर्तव्य पूर्ण हो चुका है और वो अपने मोक्ष की बाट जोड़ रहे हैं? हनुमान, 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 तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस तथा अन्य ग्रंथों ने संपूर्ण संसार को भक्ति के आलोक में प्रकाशित कर दिया है। आज राम रस की धारा में सारा संसार बह रहा है। हनुमान, महर्षि वाल्मीकि ने जिस विशेष उद्देश्य से तुलसी अवतार लिया था वो कार्य पूर्ण हो चुका है। हनुमान, अब उन्हें अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा है। तुम कहाँ हो हनुमान? शीघ्र प्रकट हो हनुमान। हनुमान, मैं तुम्हारा गुरुदेव नारद तुम्हें आदेश देता हूं, शीघ्र प्रकट हो हनुमान, शीघ्र प्रकट हो हनुमान। जय श्री राम। हनुमान, तुलसीदास इतनी व्याकुलता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और तुम हो कि इतने निष्ठुर बने हुए हो कि उनकी पुकार तुम सुन ही नहीं रहे हो। क्या उनकी वेदना का तुम्हें आभास नहीं है हनुमान? बोलो हनुमान, बोलो, क्या उनकी वेदना का तुम्हें आभास नहीं है हनुमान? परंतु गुरुदेव, मेरी वेदना का आभास है किसी को? तुम्हारी वेदना? तुम्हें क्या हुआ है? हृदय मेरे पास भी है, भाव उसमें भी उत्पन्न होते हैं, इच्छा मुझे भी होती है गुरुदेव, और वेदना का आभास मुझे भी होता है। स्पष्ट बताओ हनुमान, बात क्या है? गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है कि मैं जिससे भी प्रीति जोड़ता हूं, नेह लगाता हूं मैं, वो मुझे छोड़कर चले जाते हैं? पहले प्रभु श्री राम से नेह लगाया था, वे मुझे छोड़कर चले गए, फिर श्री कृष्ण और अब तुलसीदास भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। गुरुदेव, मैं कब तक इस विद्रोह की वेदना में तड़पता रहूंगा? आप ही बताइए गुरुदेव। नहीं गुरुदेव, मैं तुलसीदास को इस पृथ्वी से नहीं जाने दूंगा। गुरुदेव, मैं तुलसीदास को इस पृथ्वी से नहीं जाने दूंगा। शांत, मैं तुलसीदास को इस पृथ्वी से नहीं जाने दूंगा। शांत हनुमान, शांत, शांत। हनुमान, तुम उत्तेजना में आकर अनुचित कार्य करने लगते हो। पहले भी तुमने समय की धारा को उल्टी दिशा में मोड़ने का प्रयास किया और अब ये। हनुमान, माना कि तुम सर्वशक्तिमान हो, परंतु शक्ति और बल का अनुचित उपयोग तुम जैसे वीर को शोभा नहीं देता। हनुमान, हनुमान, जो इस पृथ्वी पर आता है उसे जाना ही होता है, यही विधि का विधान है। क्यों, क्यों रचा है विधाता ने ऐसा विधान? क्यों गुरुदेव, क्यों, क्यों उसने मेरे भाग्य में विछोह ही विछोह लिख दिया है? बताइए गुरुदेव, बताइए। हनुमान, सुख दुख मिलन बिछुड़ से परे हटकर देखो,
इस कलयुग में जन साधारण का एकमात्र तुम ही सहारा हो। तुम जैसा राममय विश्व देखना चाहते थे वो तुलसीदास के प्रयासों और तुम्हारे सहयोग से निर्मित हो चुका है। तुलसीदास के जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है हनुमान। अब यदि तुम अपने स्वार्थ के लिए उन्हें रोकना चाहो तो ये अनुचित होगा हनुमान। परंतु गुरुदेव हनुमान हनुमान तुम भक्त वत्सल संकट मोचन हनुमान हो। जो तुम्हारी भक्ति करता है तुम उसकी कामना अवश्य पूर्ण करते हो। क्या तुलसीदास जैसे भक्त की अंतिम इच्छा पूर्ण नहीं करोगे हनुमान? आओ हनुमान आओ, तुलसीदास के प्रयाण का समय हो चुका है, विलंब ना करो। आओ हनुमान आओ, आओ हनुमान। हे संकट मोचन हनुमान जी, मुझे दर्शन दीजिए प्रभु। भव सागर के पार उतारी, मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, मोक्ष प्रदान कीजिए। मेरे नयन व्याकुल है, आपके दर्शन के लिए कृपा कीजिए प्रभु। मेरी विनती स्वीकार कर मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करो प्रभु। मैं आतुर हूं, व्याकुल हूं आपके दर्शन के लिए प्रभु। न जाने कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं प्रभु। जय हो गोस्वामी तुलसीदास की जय हो। नारायण नारायण। कौन है आप मेरे प्रभु? हे संकट मोचन हनुमान जी, कहाँ है आप प्रभु? तुलसीदास, तुम जिसने सारे संसार को साक्षात प्रभु के दर्शन कराए, तुम प्रभु को ढूंढ रहे हो? तुलसीदास, तुम्हारे प्रभु तो हर पल हर क्षण तुम्हारे समीप हैं। नारायण नारायण। हे प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु, हे संकट मोचन हनुमान जी, तुलसी, मैं तुम्हारा बाबा हूं तुलसी। बाबा, मेरे संकट मोचन बाबा। मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देकर कृतार्थ करे प्रभु। ये दास आतुर है, व्याकुल है आपके दर्शन के लिए प्रभु। खानों
पवन सुत जानत सकल जहां, धन धन अंजनी तने संकट हर हनुमान। जय श्री राम। हनुमान जी संकट मोचन, हनुमान जी हे प्रभु, मेरे प्रभु, श्री राम। अब मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ, किसी से कहना मत कि मैंने तुम्हें खाना खिलाया है। जय श्री राम। जय श्री राम। पृथ्वी पर एक अद्भुत बालक जिसका नाम है राम बोला। राम बोला, वही बालक राम बोला। यहां से कुछ ही दूर एकांत वन में एक वृक्ष के नीचे लेटा है। राम बोला को तुम्हारा आश्रय चाहिए था। आज राम बोला का नव संस्कार करने की कृपा की गुरुदेव। यदि नव संस्कार करण के साथ साथ राम बोला का नया नामकरण भी हो जाए तो कितना उत्तम हो, क्योंकि परिवर्तन यदि अधूरा हो तो उसका फल भी अधूरा मिलता है। मैं सोचता हूँ नए नाम और पहचान के साथ इसके मन में पुरानी स्मृतियां अपने आप मिट जाएंगी और ये इसके भविष्य और उत्थान के लिए शुभ होगा, क्यों गुरुदेव? हाँ बाबा, मेरा नया नाम क्या होगा आप ही बता दीजिए ना। राम बोला, जिस प्रकार प्रत्येक प्रसाद को शुद्ध करने के लिए तुलसी का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार इस पुण्य आत्मा का नया नाम होगा आज से तुलसीदास। कितना सुंदर नाम है तुलसीदास। तुलसीदास, कितना सुंदर नाम है तुलसीदास। ए, मैं राम बोला से तुलसीदास बन गया। पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तुमने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जन्म लिया है तुलसीदास, उसे मन कर वचन से पूरा कर, यही मेरा आशीर्वाद है। ऐसे मत कहो रत्ना, मेरा हृदय टूक टूक हो जाता है। नहीं देखूंगी, परंतु आपको भी अपना पागलपन छोड़ना होगा, आश्रम में बाबा का काम संभालना होगा। रत्ना, भगवान और धर्म की बातों में अब मेरा मन नहीं लग रहा। शंकर भैया। अरे भौजी, आप कब आई? पंडित जी कहाँ है? कथावाचक जी दूसरे गांव गए हैं। लौटे तो उनसे कह देना मैं अपने भाई के साथ पिताजी से मिलने बदरिया जा रही हूँ। आपने रत्ना को देखा है?
करो श्री राम महा होती न तो हम ही थी अब आपके निशरण नहीं छोड़ पाता तुलसी अपनी इस भावधारा को अपनी लेखनी द्वारा प्रस्तुत करो अब रामायण की रचना आरंभ करो तुलसी हरण अमंगल अघ अखिल करत सकल कल्याण राम नाम नित कहत हर गावत वेद पुराण गावत वेद पुराण प्रभु प्रभु मेरे प्रभु तुलसी तुम्हारे रामचरित मानस को बाबा विश्वनाथ ने प्रमाणित कर दिया सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर जन जन में उसके सत्य शिव और सुंदर होने का विश्वास दिलाया प्रभु आपने जय श्री राम हनुमान जी मेरे प्रभु